तो आज हम जानते हैं लो ब्लड प्रेशर के बारे में जानते हैं। लो ब्लड प्रेशर हमारा क्यों हो जाता है, इसका रीज़न क्या है। लो ब्लड प्रेशर को हम मेडिकल डिफिनीशन में बोलते हैं हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन इज लो ब्लड प्रेशर। इससे पहले हमने बात की थी हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन इज हाई ब्लड प्रेशर। आज हम जानते हैं लो ब्लड प्रेशर के बारे में। जो हमारे दो तरह के प्रेशर्स होते हैं, एक होता है हमारा सिस्टोलिक प्रेशर और एक होता है हमारा डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है 120 होना चाहिए, जबकि डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो 80 होना चाहिए। अगर 100, 110 या 100 से भी कम हो जाता है, 90, 80 हो जाता है, तो इसे बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर। जो कि हमारा डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 से अगर 50 हो जाता है तो इसे बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर। जो हमारा हार्ट होता है, हमारा हार्ट 120 से फ्लो करता है, ब्लड की सप्लाई करता है 120 से। हमारा हार्ट जो होता है ब्लड की सप्लाई करता है। हमारा ब्रेन होता है, हमारा ब्रेन ऊपर का पोर्शन होता है। जो हमारा हार्ट हमारे ब्रेन को ब्लड की सप्लाई करता है, वो करता है 120 से। जब वो ऊपर जाता है, ऊपर जाते जाते 100 या 110 ही रह जाता है। अगर इससे कम हो जाता है तो इसे बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर। इससे हमें वर्टिगो जैसी डिजीज़ भी हो सकती हैं, साथ ही साथ वोमिटिंग भी होने लगती है, और कभी कभी क्या होता है वीकनेस भी होने लगती है, कमजोरी का महसूस होना और उल्टी का होना, ये लो ब्लड प्रेशर के ही लक्षण होते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो हम डेली रूटीन में काम करते हैं वो ठीक से ना कर पाना लो ब्लड प्रेशर के कारण ही होता है। इसके लिए हमें क्या क्या लेना होता है, इसके लिए हमें ORS लेना होता है, जैसे ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट भी लेना होता है, साथ ही साथ इलेक्ट्रोल भी ले सकते हैं लो ब्लड प्रेशर में हम। और इसमें क्या होता है, हमें वाटर की ज़्यादा से ज़्यादा डिफिशेंसी हो जाती है, तो हमें क्या होता है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा वाटर भी लेना होता है।